आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। भांडेर विधानसभा क्षेत्र के उन्नाव तहसील में घरावा गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास जय प्रकाश शास्त्री वृंदावन धाम के मुखारविंद से भक्तों को श्रवण कराई जा रही है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संतोष तिवारी लश्करी महंत ने कथा व्यास पंडित श्री जयप्रकाश शास्त्री वृंदावन धाम को माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। सी तस्वीर आपकी जनता न्यूज पर आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्य कथा व्यास जयप्रकाश शास्त्री वृंदावन धाम द्वारा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संतोष तिवारी लश्करी महंत को आशीर्वाद दिया। जानकारी के अनुसार पिछले 6 वर्षों से वरिष्ठ भाजपा नेता दिनेश शर्मा के विशेष सहयोग से लगातार 6 वर्षों से उन्नाव तहसील के घरावा गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता आ रहा है। मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संतोष तिवारी लश्करी महंत श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे हैं और उनके साथ मुख्य रूप से बबलू पटेल बेलखेड़ा, पंडित कैलाश नारायण, जितेंद्र सिंह यादव खिरिया एवं पंडित कैलाश नारायण कुश के साथ कमलेश कुशवाहा एवं मुख्य व्यवस्थापक करतार सिंह गुर्जर आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। आइए सीधे चलते हैं हमारे कथा व्यास पंडित श्री जय प्रकाश शास्त्री के मुखारविंद से भक्तों को कथा श्रवण कराई जा रही है, आइए सुनिए। लिखा है कि भगवान भोजन नहीं करते, भगवान भोजन तो करते हैं लेकिन कभी मन मूत्र का परित्याग नहीं करते। भगवान की आंख से आंसू तो बहता है कि कभी कीचड़ नहीं आता, भगवान के कान से कभी सराय नहीं बहता। क्यों? इसलिए भगवान के शरीर में विकार है नहीं, ये विकार हमारे शरीर से निकलते हैं क्योंकि हमारा शरीर विकारों से मिलके बना है। भगवान का शरीर एक चिदानंद है। बाबा गोस्वामी ने भी लिखा है रामायण में भगवान का शरीर कैसा होता है, चिदानंदमय देह तुम्हारा, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी। कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम स्टे सेफ।